हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल गार्डन गाइड पर आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको गुड़हल से मिलवाने के लिए लाई हूँ। ये देखिए हमारा गुड़हल। वैसे तो आपने सिंगल पेटल और डबल पेटल गुड़हल देखे होंगे, लेकिन ये गुड़हल मेरा और भी ज़्यादा घना और खूबसूरत है। और इसके देखिए इसके अंदर कितनी सारी कलियाँ भी और आ रही हैं। आज हम इस बरसात के मौसम में इसकी कलियाँ झड़ती भी बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए इसकी कलियाँ इस तरह से झड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा झड़ती हैं, फूल बहुत कमी के साथ बन पाते हैं। तो आज बरसात के मौसम चल रहा है और ऐसे में हम अपने पौधों की कटिंग करके इन्हें लगा के बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। तो आइए आज हम गुड़हल की कटिंग करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं कि हमें इसे कैसी जगह पर लगाना चाहिए, इसे पानी कैसा चाहिए और इसके अंदर जो हमारे कीड़े लग जाते हैं उससे कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आज कीड़ों की बात करते हैं। बरसात का मौसम है, पौधों में कीड़े बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। लेकिन देखिए, आप मेरे इस गुड़हल में देख सकते हैं कि कहीं भी कोई चींटी कीड़ा वगैरह नहीं है। इसकी वजह यह है कि मैं इसके ऊपर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ ही आप इस पे यूज़ कर सकते हैं, आप इस पे डिश वॉश और नीम ऑयल भी मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका जो पौधा है उसके ऊपर किसी भी प्रकार के कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। अगर हम इस पे धूप की बात करें तो ये हमारा जो पौधा है इसे फुल सनलाइट चाहिए, पूरे दिन की धूप अगर में अगर रखा जाएगा तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और आजकल बरसात का मौसम है, अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो इसकी कटिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि हमें कटिंग लगाने के लिए किस तरह से करना चाहिए। देखिए, मैंने ये अपनी स्टिक ले रही हूँ, यहाँ से ये कट कर रही हूँ। ये इतनी बड़ी मैंने अपने पौधे की स्टिक कट की है और इसके लिए एक ही नहीं बल्कि मैं दो तीन स्टिक लूँगी, जिससे कि एक साथ हमारी दो तीन पौधे लग जाएँ। क्योंकि हो सकता है कि भाई एक पौधा ना लगे तो दूसरी स्टिक हमारी हो जाए। ये मैंने इसके लिए तीन स्टिक्स ली हैं और इन स्टिक्स में मैं इसका क्या करूँगी कि ये जो हमारी पत्तियाँ हैं, लीव्स हैं, मैं इन सबको क्लियर कर दूँगी, इन्हें हटा दूँगी। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, मैं इस तरह से हटाती हूँ कि जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये नोट पार्ट, ये भी हमारा सही रहे, क्योंकि यहीं से जड़ें बनती हैं और यहीं से पत्तियाँ भी आती हैं। तो हम ये अपनी कट करेंगे, इसमें हम सिर्फ दो चार पत्तियाँ ऊपर छोड़ेंगे। जैसे कि देखिए मैंने ये छोड़ी हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैंने सारे पत्ते तोड़ दिए हैं, लेकिन देखिए मैंने इस तरह से ये सब चीज़ें इस पर छोड़ी हुई हैं। इसी तरह से हम अपनी तीनों पत्तियों, तीनों स्टिक्स को तैयार कर लेंगे। मैंने तीनों अपनी स्टिक्स तैयार कर ली हैं लगाने के लिए। आप अगर चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं अपनी स्टिक्स को जड़ मिट्टी में लगाने से पहले, लेकिन आजकल बरसात का मौसम है, मैं ऐसे ही डायरेक्ट लगा दूंगी और इंशाल्लाह ये डायरेक्ट भी हो जाएंगी। थोड़ा दो चार इंच गहरा गड्ढा किया है जिससे कि मेरा ये इतना पार्ट कम से कम अंदर चला जाए और इसको इस तरह से मैं लगाऊंगी। आजकल बरसात का मौसम है, धूप भी ज़्यादा नहीं निकल रही है, तो इसलिए अगर आप सुबह में भी लगा रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ से इसे उठाकर मैं दूसरे गमलों में भी इसे शिफ्ट कर सकती हूँ। अभी मैं इसे यहीं लगाऊंगी। फ्रेंड्स, अभी जब हम अपने पौधे लगाते हैं, कटिंग लगाते हैं, तो इसके लिए हमें इनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि इन्हें तेज़ धूप में ना लगे। इसीलिए मैंने ऐसी जगह पर लगाया है कि यहाँ पर तेज़ बहुत धूप नहीं आएगी। इनके लिए पानी का भी पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। आजकल तो वैसे बरसात का मौसम है, हमें इतने ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब भी आप नया पौधा लगाएं तो उसके लिए पानी की व्यवस्था का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि अभी उनकी जड़ें बनी नहीं हैं कि वो नीचे जाके अपने लिए पानी खुद एब्जॉर्ब कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।